अनाउंसमेंट आपकी हिफाजत के लिए है। कोई अपने घर से ना निकले। पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। आपको सुरक्षित रखने में सेना की मदद करें। भाई साहब, मैं इंडियन आर्मी के कैप्टन रमेश वशिष्ठ को ढूंढ रही हूँ। ये देखिए उनकी तस्वीर, आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे लड़की, यहाँ बाहर क्या कर रही है? पता नहीं है, कर्फ्यू लगा हुआ है यहाँ। अपने घर जाओ। जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा चक्कर तुम हो गए विधाता। अगर रवीश को कुछ हुआ ना विधाता, मैं इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में माफ नहीं करूंगी तुम्हें, समझी? तो बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। न जाऊंगा खाली, तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्ज तेरे न जाए सवाली। पूंछ स्टेशन तो 2 किलोमीटर पीछे छूट गया है। किससे पूछूं यहां, कहां से शुरू करूं रवीश को ढूंढने?
अस्सलाम वालेकुम जनाब, अभी मेरी नजर में थी, अचानक एक घर में दाखिल हो गए, हाथ आई और चली गई। अगर मैं उस घर में घुसना चाहूँ या जबरदस्ती करूँ तो आर्मी को खबर हो सकती है, वो बाहर जरूर आएगी। कहाँ जाएगी, इंतजार करता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपका दरवाजा ऐसे अचानक खटखटाया। सलाम, फिक्र नहीं, मेरा नाम विविधा कश्यप, मैं इंडियन आर्मी के कैप्टन रविश वशिष्ठ को ढूंढने आई। हाँ जानती हूँ, टीवी पर देखा था मैंने, तुम बीवी हो ना उसकी, उसको टेररिस्ट ने। और कोई कुछ नहीं कर रहा, इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा ये नहीं जानते। पाकिस्तान एम्बेसी ने तो साफ इनकार कर दिया मदद करने से, इसलिए अब मैं खुद उन्हें ढूंढने निकली, लेकिन पता नहीं कहां से शुरू करूं, किससे पूछूं। अब इस दौरान एक आदमी मेरा पीछा करने लगा और वापस चली जाऊं। ये खाबीस बहुत खतरनाक लोग हैं, आप जानती हैं उन्हें? ना, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इनके बारे में जानती हूँ। तुम्हारा डर वाजिब है, जब खाबीस खतरे में हो तो बहुत डर लगता है, तभी तो कहती हूँ वापस चली जाओ। अल्लाह हिफाजत करेगा तुम्हारी खाबीस की। मैं ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन ऐसे अकेले कैसे ढूंढोगे उसे? बहुत लोगों की गुनहगार हूं मैं, मगर खुद को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। कैसे करूंगी ये मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि उन्हें लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। किससे बात करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ हर एक इंसान मुझे शक की नजर से देखता है और मैं उनको। फिकर ना, ढूंढना है ना उसे, सब अच्छा होगा, सब लोग गलत नहीं होते, आर्मी ख्याल रखती है हमारा, थोड़े से लोग माहौल को गंदा कर देते हैं। तुम कैप्टन की बीवी हो ना, हौसला रखो, हौसला कामयाबी तक पहुंचाता है। और हाँ, तुम्हारा खाबीस जरूर मिल जाएगा, रुको कुछ देती हूँ। ये लो, अल्लाह का ताबीज है, हिफाजत करेगा तुम्हारी। अब पूरा तो नहीं मानोगी, पहना दूँ? हिंदू हो? हिंदुस्तानी हूँ, अजमेर से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चादर चढ़ा दे बचपन गुजरा है मेरा, उन्होंने हमेशा हिफाजत की है मेरी। यकीन से अल्लाह पर भरोसा रखना, ये ताबीज तुम्हें हिम्मत देगा और ताकत भी। शुक्रिया, चलती हूँ। रुको, इधर से जाओ, ये गली बड़ी सड़क पे मिलती है। और हाँ, आंख कान खुले रखना, और सोने के लिए और रात गुजारने के लिए ठिकाना ढूंढना। बर्फबारी होगी तो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।